पिछले कई वर्षों से फरार भगवान सिंह ठाकुर और धन सिंह टिमर गैंग में शामिल रहा आरोपी, जिस पर धारा 302 सहित कई संगीन अपराध विभिन्न थानों में दर्ज थे, जो अपने आतंक से महेवा, कटोरा और माउनीपुरा क्षेत्र में दहशत का पर्याय बना हुआ था, उसे जगत नगर उत्तर प्रदेश की मध्य प्रदेश की सीमा से गिरफ्तार किया गया है। पिछले 20 वर्षों से लगातार अपना भेष बदल कर पुलिस को चकमा दे रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने पर मोहनगढ़ पुलिस ने श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक अनिल शर्मा और टीकमगढ़ पुलिस अधीक्षक अनुराग सजानिया, अनुविभागीय अधिकारी योगेंद्र सिंह भदौरिया के निर्देशन में थाना मोहनगढ़, थाना दिंगोड़ा में टीम गठित की गई, जिस पर मोहनगढ़ थाना प्रभारी हिमांशु भिंडिया, उप निरीक्षक शेख मतीन, आरक्षक यशवंत आनंद सुडेल के अथक प्रयास से आरोपी वृंदा उर्फ वृंदावन टीमर, पिता रामदयाल उर्फ रामचरण टीमर, उम्र 45 साल, निवासी छिपटा, थाना समथर, जिला झांसी, उत्तर प्रदेश नदी भावर घाट ग्राम जगतनगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। मोहनगढ़ से अनुराग सेन के साथ अभ्यास शुक्ला की रिपोर्ट। आज से करीब 20 वर्ष थाना निधौरा के अपराध क्रमांक 54/01 धारा 302, 307, 364 का 147, 148, 149, 120 बी एवं 25/27 आम सेक्ट का आरोपी बिंद्रा उर्फ वृंदावन, पिता रामदयाल उर्फ रामचरण ढीमर, निवासी ग्राम छिट्टा का, उम्र 45 वर्ष, थाना समथर उत्तर प्रदेश का आरोपी 20 वर्ष से करीब फरार चल रहा था। हमारे थाना निधौरा के अंतर्गत आने वाले ग्राम महिवा चक्र नंबर 1 एवं 3 में धन सिंह गैंग एवं भगवान सिंह ठाकुर गैंग सक्रिय गैंग थी, जो यहाँ पर उसका मूवमेंट रहता था, जिसकी सुरक्षा हेतु सागर की बटालियन 10वीं बटालियन की सी कंपनी सुरक्षा एवं उसकी पतारसी हेतु तैनात की गई थी। तो दिनांक 4/5/2001 को इसी गैंग के द्वारा महेवा चक्र नंबर 1 में 8 मजदूर आदिवासियों को पकड़कर अपने चंगुल में रखे थे, जिसकी सूचना महेवा चक्र नंबर 3 पर तैनात पोस्ट पर तैनात SAF कमांडर गोपाल सिंह चौहान को लगी, जो आठों आदिवासियों को छुड़ाने हेतु एवं इनसे मुठभेड़ करने हेतु रवाना हुए, जहां जाकर उनने SAF कमांडर गोपाल सिंह चौहान ने सभी इस गैंग से आठों आदिवासियों को छोड़ने के लिए कहा गया। आदिवासियों को छोड़ते हुए उन्होंने उल्टा अपने SAF बटालियन पर गोली चलाना शुरू कर दी, जिस गोली दोनों पार्टियों की तरफ से फायरिंग होने लगी, जिसका लाभ लेकर आठों अपर वहां से चुंगल से छूट गए। परंतु इसी में मुठभेड़ में हमारे एक SAF बटालियन सी कंपनी का आरक्षक शिवदयाल को गोली लग जाने से वो इसी मामले में शहीद हो गया था। बाद में संपूर्ण कार्रवाई के बाद में सभी आठों अपराधों को सकुशल छुड़ाया गया और एवं इनके विरुद्ध में धारा 302, 307, 364 का 147, 148, 149, 25/27 आम सेक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। इसी प्रकरण में 20 वर्ष से इसी गैंग का एक आरोपी बिंदा और वृंदावन, पिता रामदयाल और रामचरण ढीमर, निवासी छिपटा का फरार चल रहा था, जिसे मोहनगढ़ पुलिस एवं अन्य थानों की थाना लिधौरा एवं थाना दिगोड़ा के कुछ संयुक्त टीम बनाई गई, जिनके द्वारा आज दिनांक को इसे नदी भवर घाट ग्राम जगत नगर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है, जिसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।